हे गाइस वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? गर्लफ्रेंड को किस करने से पहले दो बातें याद रखना। गाइस आपको अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने से पहले कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के किस को हमेशा के लिए मिस न कर दो। तो आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है अपने पार्टनर के साथ किस करने से पहले जिससे कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है फिर आपको दोबारा किस न करने दे। तो आपको सही तरीके से और सावधानी से अपने पार्टनर के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किस करना है। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट है, बिना परमिशन के किस ना करें। गाइस आप अपनी गर्लफ्रेंड को बिना परमिशन के किस ना करें। जब तक आपकी पार्टनर, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपको अलाउ ना करे, आपको किस करने के लिए परमिशन ना दे, तब तक आपको अपनी पार्टनर को किस नहीं करना है। और अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी पार्टनर से ये भी नहीं कहना और पूछना भी नहीं है कि क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ, क्या मैं आपको किस करूँ। तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड से ये भी नहीं कहना है कि क्या मैं आपको किस करूँ। और परमिशन दे रही है और अलाउ कर रही है, आपका पार्टनर आपको अलाउ कर रहा है किस करने के लिए, वो बिना पूछे उससे पता कैसे करना है। जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने के लिए आगे को बढ़ते हैं तो जो आपकी गर्लफ्रेंड है अपनी आंखों को बंद कर लेगी, अपनी आईज को बंद कर लेगी या फिर वो शर्माने लगेगी, बट आपको रोकेगी नहीं। तो आप समझ जाएं कि जब आपकी पार्टनर अपनी नजरें चुरा रही है या फिर अपनी आंखों को बंद कर ले रही है जब भी आप किस करने के लिए आगे को बढ़ते हैं, तो आप ये समझ लें कि आपकी जो पार्टनर है आपको परमिशन दे रही है, अलाउ कर रही है किस करने के लिए। अगर वो रोक रही है, आपको मना कर रही है, अपने हाथों से आपको रोक रही है, तो आप इस जगह पे समझ जाएं कि जो आपकी पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको परमिशन नहीं दे रही है, अलाउ नहीं कर रही है आपको किस करने के लिए। तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस स्टेज पे आपको अपनी गर्लफ्रेंड को जबरदस्ती पकड़ के किस नहीं करना है, नहीं तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के किस को हमेशा के लिए मिस कर देंगे, आपकी गर्लफ्रेंड फिर आपको दोबारा कभी किस नहीं करने देगी। तो आपको वहां पे अपनी पार्टनर के साथ जबरदस्ती किस करने की कोशिश नहीं करना है। एंड गाइस सेकेंड पॉइंट है, अपना कंट्रोल खोना। गाइस अगर आपकी पार्टनर आपको किस करने के लिए अलाउ कर रही है, आपको किस दे रही है, आपको मना नहीं कर रही है, तो आपको अपना कंट्रोल नहीं खोना है अपनी गर्लफ्रेंड को किस करते टाइम पे। अगर आपकी पार्टनर आपको अलाउ कर दे रही है, आपको मना नहीं कर रही है किस करने के लिए, तो जब आप अपना कंट्रोल खो देंगे, यानी कि कहने का मेरा मतलब सीधा सीधा है कि जब भी आप अपनी पार्टनर को किस करते हैं तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आपको इधर उधर उसे टच करने लगते हैं, उसके साथ प्यार करने की, फिजिकल होने की कोशिश करने लगते हैं। तो आपकी पार्टनर जब आपको अलाउ करे किस करने दे, तो आपको उस टाइम पे अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए, जस्ट जिस टाइम पे आप किस करें। तो खासकर उस टाइम पे आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जिस टाइम पे आपकी पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड आपको रोक रही है, आपको किस करने के लिए मना कर रही है, अगर वो किस करने दे रही है, आपको फिजिकल होने के लिए मना कर रही है, तो उस टाइम पे आपको रुक जाना चाहिए, आपको अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। अगर आप अपना कंट्रोल खोते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा के लिए अपना हाथ धो बैठेंगे अपनी गर्लफ्रेंड से। तो आपको ऐसा नहीं करना है जिससे कि आपकी गर्लफ्रेंड डिमोटिवेट हो और आपसे फिर दोबारा मिलने के लिए आपको परमिशन ना दे, आपसे दोबारा फिर मिलने ना आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यही होगा, आपकी पार्टनर छोड़ के जा सकती है, आपको अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसा ना हो कि हाथ धोना पड़े, यानी कि आपके पार्टनर हमेशा के लिए आपको छोड़ के न चली जाए या फिर आपको दोबारा किस न करने दे या फिर आपसे फिर दोबारा मिलने ना आए। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। जब भी आपकी पार्टनर आपको परमिशन दे, अलाउ करे, तभी आप अपने पार्टनर के साथ कुछ भी करें, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।